हेलो फ्रेंड्स, दादा दादी की किचन में आपका स्वागत है। आज मैं गन पाउडर बनाने जा रही हूँ। बहुत ही आसान है इसको बनाना, आप सब लोग भी बनाएं। अगर मेरे वीडियो पर आप नए हैं, मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। चलिए हम गन पाउडर बनाना शुरू करते हैं। मैं पहले आपको इंग्रेडिएंट बता देती हूँ। ये मैंने 2 टेबलस्पून चने की दाल ली है, 2 टेबलस्पून ये उड़द धुली दाल है, ये आधा टीस्पून मेथी दाना, 1 टीस्पून जीरा और 1 टेबलस्पून तिल हैं, वाइट तिल, और ये 1 टेबलस्पून खड़ा धनिया, साबुत धनिया, ये थोड़े से कड़ी पत्ते, ये 1 टेबलस्पून ये मूंगफली है, ये 1 टेबलस्पून काली सरसों और पीली सरसों दोनों मिली हुई हैं। आप चाहें तो कोई भी एक तरह की सरसों भी ले सकते हैं। अगर सरसों आपके पास नहीं है तो इसके बदले आप राई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 2 टेबलस्पून नारियल का बुरादा है, डेसिकेटेड कोकोनट, बाजार में आसानी से मिल जाता है। ये मेरे पास गार्लिक साल्ट है, ये मैंने 1 टीस्पून लिया है। ये मेरे पास लेमन पाउडर है, ये भी 1 टीस्पून है। 1 टीस्पून काली मिर्च है और 2 टेबलस्पून मैंने ये लाल मिर्च ली है और ये थोड़ी सी हींग। ये देखिए हम गन पाउडर बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ये 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल डाल रही हूँ। आपके ऑलिव ऑयल है या नारियल का तेल, सरसों का तेल नहीं डालना है, बस आप कोई भी रिफाइंड डालें या नहीं है कुछ तो आप देसी घी भी डाल सकते हैं, लेकिन सरसों का तेल यूज मत करिए। अब इसमें हम सबसे पहले ये दोनों दाल डालकर 1 मिनट तक भूनेंगे। ये दोनों दाल हम डाल देंगे एक साथ, उड़द की दाल और चने की दाल। ये मैं आपको फिर से बताती हूँ, दोनों मैंने 2-2 टेबलस्पून लिए हैं। इनको हम थोड़ी धीमी आंच पर 2 मिनट तक भूनेंगे। ये देखिए मैंने उड़द की दाल और चने की दाल को दोनों को 2 मिनट तक भूना है धीमी आंच पे। अभी और मसालों के साथ भी भुनेगी। अब हम इसमें ये मेथी दाना, ये मैंने 1/2 टीस्पून लिया है, और ये जीरा, ये 1 टीस्पून है, और ये तिल, ये 1 टेबलस्पून है। इन सब तीनों चीजों को मैं इसमें डाल के भूनूंगी। और ये धनिया, ये भी मैंने 1 टेबलस्पून लिया है, ये भी हम इसमें डाल देते हैं। ये हींग, इसको भी हम डालेंगे इसमें डाल के भूनेंगे। और ये सरसों जो मैंने ली थी, ये पूरा 1 टेबलस्पून है दोनों सरसों मिला के, आप कोई भी एक सरसों भी ले सकते हैं। अब हम इसमें ये कड़ी पत्ता भी डाल के भूनेंगे। ये मूंगफली मेरे पास भुनी हुई है, अगर आपके पास कच्ची है तो आप मूंगफली भी इसमें इसी समय डाल दें। अभी हम इस मसाले को 1 मिनट और भूनेंगे, थोड़ा धीमी आंच पे ही। ये देखिए सब मसाले मैंने 2 मिनट और भुने हैं। अब इसमें हम ये डेसिकेटेड कोकोनट जो है उसको डाल के भी थोड़ी देर भूनेंगे। ये मूंगफली भी हम इसमें भुनी हुई है लेकिन फिर भी हम डाल देते हैं इसमें। बस इसको 1 मिनट भुनने के बाद ये जो हमारे मसाले हैं पिसे हुए, ये 1 टीस्पून काली मिर्च है, 1 टीस्पून ये मेरे पास लेमन पाउडर है, 1 टीस्पून ये गार्लिक साल्ट है, और ये 2 टेबलस्पून लाल मिर्च है। आप चाहें तो साबुत लाल मिर्च भी इसमें डाल के भून सकते हैं, मेरे पास नहीं थी इसलिए मैंने ये पिसी हुई लाल मिर्च ली है। अगर काली मिर्च भी आपको साबुत डालना हो तो पहले मसाले के साथ भून लें। अब हम ये सब चीजें इसमें मिक्स कर देते हैं। अब हम इस मसाले को ग्राइंड करेंगे, फिर ग्राइंड करके हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए गन पाउडर बन के तैयार है, मैंने ठंडा करके इसको ग्राइंड कर लिया है। अगर आपके पास लेमन पाउडर ना हो तो आप उसके बदले अमचूर या इमली डाल सकते हैं, मेरे पास था तो मैंने डाल दिया। मैं सब पाउडर घर में बनाती हूँ, आगे के वीडियो में मैं आपको ये सब पाउडर बनाना बताऊंगी। ये गन पाउडर साउथ इंडियन डिशेस में बहुत डलता है, आगे मैं साउथ इंडियन डिशेस बनाऊंगी तो उसमें इसका यूज होगा। देखिए गन पाउडर बनके तैयार है। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।
हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल की सभी अपडेट्स पाने के लिए आप मेरे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो जरूर करें।